अब वो किस तरीके से इंजेक्शन लगाता है और इनके साथ क्या मामला पेश आया है, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या हुआ था आपको? बुखार था, हल्का सा बुखार था? बुखार था, जिस्म दर्द था नॉर्मली, दो तीन दिन पहले से ही था। तो मैं क्या चले हॉस्पिटल से सामने से मेडिसिन लेने जाता हूँ, वहाँ से चेकअप करवाऊँ, अच्छा टेस्ट करेंगे, डॉक्टर बैठे होते हैं सीनियर। तो नॉर्मली इंजेक्शन लगवाने गया हूँ, उसने मेडिसिन ली है, उसने मुझे इंजेक्शन लिख दिया है। उसने कहा जाओ कि कंप्यूटर से इंजेक्शन लगवा लो आप, उसने मुझे इंजेक्शन लिख के दिया, मैंने कंप्यूटर को पर्ची दी है बस। उसने मुझे ऐसे ही उठाया है, अनपढ़ सा लड़का बैठा हुआ था ऐसे, जैसे उसने वर्दी भी नहीं थी पहनी हुई, कंप्यूटर ही था बस, स्टूडेंट है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, THQ हॉस्पिटल है, तहसील हेडक्वार्टर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसे शाहदरा गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल है ऐसे ये भी है। तो नॉर्मली हम चले जाते हैं चेकअप करवा के आ जाते थे। उस दिन उसने इंजेक्शन तो लिख दिया, फेसबुक तो डॉक्टर चलाते हैं आजकल, चेकअप थोड़ी करते हैं क्या हुआ है। उसने ना बुखार चेक किया है कितना है कितना नहीं है, जैसे पर्ची लिख दी है, मैंने वो पर्ची दी है कंप्यूटर को, उसने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। उसने मुझे स्ट्रेचर पर भी नहीं लटाया, खड़े हुआ है उसने, खड़े होते ही मुझे इंजेक्शन लगा दिया। मैंने उसको बोला भाई स्ट्रेचर पर लटा के लगाते हैं, आपने वैसे लगाया? कहना यार रात में 2:30 भी आ जाते हैं टीके लगवाने, आ जाते जाओ आप आइएगा। मैं उसने मुझे इतना बोला, मैंने इंजेक्शन लगवाया। जब उसने मुझे इंजेक्शन लगाया ना, मुझे तब भी पेन महसूस हो गई थी कि मुझे इंजेक्शन गलत लग रहा है। तो उतनी देर में मलता वगैरह ना बाहर आ गया हूँ, छोटे भाई को बोला है कि मुझे ना इंजेक्शन की पेन ज़्यादा हो रही है जिस्म दर्द की। अच्छा, उसी टाइम पेन स्टार्ट हो गई थी। और हॉस्पिटल का अमला देख लें कि बिल्कुल ना एजुकेशन, ना उन्होंने कोई वर्दी पहनी हुई। पहले भी जाते रहे हैं इसे हॉस्पिटल में? पहले भी जाते रहे हैं, पहले भी ऐसे ही मामला चलते रहे हैं। मतलब हर स्टूडेंट हायर किए होते हैं, नर्सें वगैरह जो डॉक्टर होते हैं वो फेसबुक चला रहे हैं, अपने बच्चे खिला रहे हैं खुद ही। वो बच्चे को क्या काम हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान खिलाना, हॉस्टल है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी फैमिली को भी साथ लेके आए, चेकअप करें अच्छी तरीके से, क्या इंजेक्शन किस लिए दे रहा हूँ, BP चेक करें फिर इंजेक्शन लगाएं। बिला वजह इंजेक्शन लगा के तो एक बच्चे को, अच्छे भले को, जवान को जो चल कर गया अपने पारा को और उसको मजबूर कर दिया। अच्छा जिशान, हुआ क्या था इंजेक्शन के बाद? क्या हुआ इंजेक्शन के बाद? मैं जब लगवा के घर आ गया हूँ तो अपनी मिसेज को मैंने बोला मेरी टांगों में ना ऐसे जैसे कुछ हो रहा है, सुई वगैरह ऐसे हो रहा है, उलझन महसूस हो रही है। उसने मुझे दबाया तो मैं सो गया हूँ ठीक घंटे डेढ़ बाद। मुझे फिर मैं उठ गया हूँ, 6 बजे का टाइम था, 2.5 घंटे के दरमियान में, रात को 2:30 बजे मैंने इंजेक्शन लगवाया। घंटे डेढ़ बाद मेरी टांगें काम करना छोड़ गई। उसने मैंने उसको बताया तो उसने उठी है, मेरी मिसेज उसने चेक किया है, कहते हैं हमें हड्डी वगैरह कोई सुन्न हो गया होगा। टांगें काम करना छोड़ गई मतलब? मतलब काम करना छोड़ गई, मुझे यहाँ तक यही था पता कि निचला हिस्सा मेरा हिल ही नहीं रहा ना, मुझे शॉप के पास चल रहा था कोई, मुझे हिस्सा ही नहीं था काम करना। मतलब बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुका? पैरालाइज हो चुका था। अब्बू वगैरह आए हैं, बुलाया है, परेशान हो गया अचानक, मैं तो खुद परेशान अचानक से हो गया क्योंकि मेरा जिसम का हिस्सा था हिल रहा। अब्बू ने चेक किया, सब ने चेक किया, लेकिन वो सिस्टम ही आउट हो गया हुआ था, सिस्टम ही काम करना छोड़ गया हुआ था, जैसे इंसान पैरालाइज हो जाता है। दोबारा आप डॉक्टर पे गए? दोबारा हमने 112 वाले को बुलाया, रास्ते ब्लॉक थे, वो आए, जैसे भी वो आए उन्होंने मेरे ट्रीटमेंट चेक किया, उन्होंने कहा जहाँ से आपने इंजेक्शन लगवाया ना वहाँ वापस हॉस्पिटल ले जाएं इसको। तब हम वहाँ गाड़ी करवाई है, एम्बुलेंस आई है, गए हैं वहाँ पे, ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टरों को बताया, वो हमारी बात सुनने में नहीं थे आ रहे। वो सर्जन आ गया, जी हमारा मसला नहीं है, आपके बच्चे का दिमाग की नाली ख़राब है, पहले से बीमार है ये। मैं परेशान, फिर एक आया दूसरा डॉक्टर, कोई प्रोफेशनल हो जाए, इसका मोड़ों का मसला है। अब आप खुद देखें कि इंसान बुखार 101 भी नहीं है, इंजेक्शन लगवाने अचानक जाता है कि उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो अच्छा खासा हो, काम करने वाला लड़का हो। फिर दूसरी बात कि जब मैं वहाँ पे उसको डॉक्टर एक और आया, उसने कहा जी इसका मोड़ों का मसला है, मोड़ों का मसला, इंसान चल के नहीं जाता। अच्छा, हॉस्पिटल वालों ने आप पर इल्ज़ाम लगाए कि आपकी दिमाग की नस नहीं ठीक, आपको मोरों का मसला है, इसलिए इंजेक्शन इफेक्ट किया है? इंजेक्शन इसलिए इफेक्ट कर गया, आपको कमज़ोरी थी पहले की, कोई दिमाग की नाली होती है उसका प्रॉब्लम आपका चल रहा है। अब देखिए मैं अच्छा खासा बर्गर लगाने वाला हूँ, रेगुलर लगाता हूँ, वही के हमसाए लोग जो बर्गर हमसे खाते हैं वो भी उधर मौजूद थे, उन्होंने भी डॉक्टरों को कहा कि सर ये अच्छा खासा है, आपने इसको दिमाग का मसला बना दिया। अपने ऊपर मतलब ब्लेम ले ही नहीं रहे कि हमारी गलती है, ये तस्लीम ही नहीं की। थोड़ी देर बाद अब्बू ने फिर शोर डालना शुरू कर दिया कि भाई इसको ट्रीटमेंट करें, कुछ तो रिकवरी इंजेक्शन लगाएं कि कोई इशू होगा, वह चेकअप तो करें। लेकिन उन्होंने 4-5 घंटे हमारी कुछ नहीं सुनी, हम परेशान थे, गरीब लोग क्या कर सकते हैं। वो कहते थे हम गवर्नमेंट का मुलाजिम, जो करना है कर लो, MS को बुलाया, उसने कहा जो होता भाएँ कर लो, रौला पाना रौला पा लो, पुलिस बुलानी पुलिस बुलाओ। कितना अरसा हो गया आपको इंजेक्शन लगवाए हुए, कितने अरसे से जो टांगे पैरालाइज? आज 5 दिन हो गया मुझे पैरालाइज हुए हुए, लेकिन कोई रद्दमल नहीं उन्होंने दिया। मी हॉस्पिटल तक भी हम चले गए, इन्होंने खुद ही हमें भेजा है, ये हम भेजते हैं, ये है, वो है, कर करा के हम चले तो गए,
लेकिन वहाँ का ट्रीटमेंट इतना महंगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाया। 10,000 के दो इंजेक्शन थे, दो में मैडम ने वहाँ बताए हैं कि इसको सुबह शाम लगने हैं और 36 दिन के लिए हम इसको एडमिट करेंगे। इसका साल भी लग सकता है, 6 माह भी लग सकते हैं, मे भी इसकी एक टांग काम करे ना भी करे, ये भी उन्होंने प्रोसीजर हमें बता चुके थे, लेकिन हम भी इतना ख़र्चा नहीं अफोर्ड कर पाए। हमने अपना इलाज करने के लिए सोचा कुछ, लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है, मरीज नवाज से भी यही अपील करना चाह रहे हैं कि आए इस हॉस्पिटल के अमले को चेक करें, ताकि ऐसे और नौजवानों के साथ ऐसा मसला ना हो। अगर मेरे साथ हो गया है, मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 मेरी बेटियाँ, 1 मेरा बेटा है, मैंने ही खर्चा लेके आना है घर में, कमाना है तो सिर कर चलता है, घर में बड़ा हूँ, घर हमारा किराए पे है। अच्छा, आपने अमले के खिलाफ या हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है, FIR वगैरह करवाई? FIR करवाई है, उन्होंने FIR ही नहीं रिसीव की कि जी MS के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ हमें अपनी FIR नहीं काटते, गवर्नमेंट का मसला है। उन्होंने हमें हमारी दरख्वास्त भी रिसीव नहीं की, तो हम क्या करें, आप जाएं सड़क ब्लॉक करें जो मर्जी करें, हम नहीं दरख्वास्त रिसीव कर सकते ना। पुलिस मौके पर आई है, कोर्ट कल कल थक गए थे, रात का 1 बजे का टाइम सा मसला बन गया था काफ़ी ज़्यादा ही, तो पुलिस भी नहीं आई, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। डॉक्टर गायब हो गए थे, नर्स स्टाफ हर चीज़ नहीं थे वहाँ पे, मीडिया वाले भी आए हैं, शोर डाला है, फिर भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं हमें ऐसा दिया। लेकिन अब हम हक ना हॉस्पिटल से जब की रिपोर्टें हमें मिली हैं ना, तो ट्रीटमेंट की वजह से हम घर बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने अखराजात नहीं है कि हम 3-4 लाख रुपये अफोर्ड करें 36 दिन के लिए। वो और सुना गया कि आपने एहतजाज वगैरह भी की? हमने सब कुछ किया है, हमने भरपूर कोशिश की है अपनी जो करने चाहिए थी, लेकिन हमें किसी ने बताया कि अपने इलाके के MP है हमारे इधर, पी रश रसूल है, उनके आगे रिक्वेस्ट की है, हमारे मस्जिद आदमी लोग दोस्त सारे इकट्ठे होकर गए हैं वहाँ पे, उन्होंने हमारी बात सुनी है, उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया है, हम DSO तक कॉल पहुँचाएँगे, आपकी दरख्वास्त देंगे, जितना इलाज का मामला जो होगा हम करेंगे, अमला को चेंज करना हो वो भी एक्शन लेंगे, ताकि वो, उन्होंने हमें ये भी कहा है कि करोड़ों आवाम अगर आती है ना, अमीर भी होगा ना कोई, उसके साथ भी ये मसला होगा, लेकिन वो तो अपाहज हो गया ना, वो तो अपना इलाज करवा सकता है, लेकिन मौके पे तो वो अपाहज हो गया ना, तो गरीब क्या करेगा। लेकिन हमें 2 दिन का टाइम दें, अगर उन्होंने 2 दिन तक हमारी बात या ना सुनी, हमारे इलाज के लिए कुछ ना किया, तो इंशाल्लाह हम रोड भी ब्लॉक करेंगे, जहाँ तक हम जाएँ कोशिश होगी हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। निशान बताइएगा, अब ये मामला तो आपके साथ पेश आ चुका है, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं, इतना बड़ा हादसा हो चुका है, अब किस तरह से ज़िंदगी गुजारें, क्या सोचें? छोटी सी बात तो नहीं है मेरे लिए, एक तो बड़ी बड़ी बात है, शर्मिंदगी का एक हिस्सा है कि मेरी फैमिली मुझे उठा के लेके जाती है वाशरूम के लिए, पेशाब की मुझे नाली लगी हुई है वेन, तो शर्मिंदगी महसूस होती है, तो इंसान अब क्या करेगा, किसी के सहारे कैसे जीना है। फैमिली तो सपोर्ट करती करती है, वो तो साथ दे रही है, जब आपको एक इंसान लेटा हुआ है उसको उठा के लेके जाना, कितनी शर्मिंदगी है, वाशरूम तक छोड़ के आना फिर उठा के लेके आना, एक पास इंसान के लिए और क्या हो सकता है, अच्छी खासी ज़िंदगी, बच्चों के साथ खेलना उठना लेकर जाना उनको सैर तफरी के लिए, और आज बेड पर हूँ, आज ठीक होता हूँ कल होता हूँ या 6 माह में होता हूँ, इसका कोई वो जो खुद रब करे वही बेहतर करता है। बच्चे तो कहते होंगे बाबा उठे हमने बाहर जाने, बच्चे मेरे साथ रहते हैं सारा दिन, बाबा उठ जाए आप लेटे हैं जा नहीं रहे, पापा बोतल पीने चले हैं, बर्गर खाने चले हैं, दुकान पे क्यों नहीं जा रहे आप, वो ऐसा मुझे बोलते हैं, मैं महसूस फील करता हूँ, फिर मैं चुप कर देता हूँ, बच्चे हैं तो क्या करें, 3 साल की बेटी है वो तो बोलती है अच्छी, तो वो तो साल लग के रेटी रहती है, दुबाती है टांगे मेरी वो, लेकिन कहती उठते नहीं है, आज भी उसने मुझे बोला है पापा जा नहीं रहे काम पे अब लेटे हो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बच्ची है उसको क्या। अच्छा, आपकी पहले की लाइफ जब आप बिल्कुल ठीक थे, सेहतमंद थे, चल रहे थे, और अब की लाइफ में कितना डिफरेंस आ चुका? डिफरेंट तो आँख जैसे आँख बंद वाली करने वाली बात है, ऐसा जैसे जिस्म ही ख़त्म हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, रुक गई है। क्या करना चाहूँगा, ऐसा कैसा इंसान क्या कर सकता है, लेटा हूँ मजबूर हो गया, और क्या करूँ, क्या जवाब दूँ बच्चों को, नहीं लेके जा सकता। यही कहना चाहूँगा, मरीम नवाज से मेरी अपील है वो मेरी बात को सुने, मेरे इलाज के लिए कुछ करें, ताकि मैं जल्दी अपने पैरों पर चल सकूँ, खेल सकूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, खुशियाँ स्पेंड कर सकूँ, मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, अभी तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, बच्चों को मैंने कुछ बनाना है, उनके लिए कुछ करना है, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए अब क्या करूँगा, वो क्या करेंगे मेरे लिए, मैं नहीं उनके लिए सहारा हूँ, वो क्या करूँगा, अब आप ही बताएं। जी नाज़रीन, तो ज़िशान हमारे सामने मौजूद है जो बर्गर लगाते थे, अपने घर के वाहिद जो हैं वो कमाने वाले हैं, 3 बच्चे हैं,
और आज के साल में पड़े हैं, इनकी टांगें बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुकी हैं, सिर्फ डॉक्टर्स की और उनके जो अमला है उनकी नाहली की वजह से। मज़ीद इनके बाबा से भी बात करेंगे कि वो भी मौके पर मौजूद थे तो उन्होंने क्या देखा है। नाज़रीन, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और उसके अमले की नाहली की वजह से एक हस्ता बस्ता घर आज वीरान हो गया है। एक बच्चा जो रोज़ी कमा कर लाता था, अपने घर का सहारा था, वो आज बेड पर पड़ा हुआ है और चलने फिरने से कासिर हो चुका है। उनके बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं कि सर सारा मामला जो है वो किस तरह से पेश है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना शाहद है, ये मेरा बेटा ईशान है, ये दवाई लेने गया था बाहर के लिए। इसको जो जिस सामने हमारे हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फोजवाला, वहाँ पे इसे गलत इंजेक्शन लगाया गया, उसकी वजह से ये बिल्कुल इसका जो नीचे वाला हिस्सा ये काम करना छोड़ गया। ये मेरे घर का बाहर कफीर था जो बड़ा था मेरे घर में, मेरे घर का सारा सर्कल ये चलाता था। अब हम इतने मजबूर हैं कि ना तो हम दवाई ले सकते हैं, तो कोई बहन भाई आता है कोई 500 देता है कोई 1000 देता है, उसे हम इकट्ठा करके इसकी दवाई फूड खा रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हम बूढ़ा बाप हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा जवान बेटा मेरी आँख से सामने पड़ा हुआ है। इसके बच्चे जब बोलते पापा काम पे कब जाओगे, तो मेरी आँखों में हर वक्त आंसू आते हैं। खुद भी मैं परेशान हूँ, मेरा बड़ा बेटा घर का सब सहारा था, ये 2-3 काम करता था, ओवर टाइम भी लगाता था, अब ये चार पाई पे बैठ गया। अब हम इतने परेशान कि हमारे घर का बास का चूल्हा नहीं चल रहा, अगर मेहमान भी हमारी हेल्प ना करें आके तो हमारे घर का सारा सर्कल ख़राब हो चुका हुआ है इस वक्त। हम इतने ज़्यादा परेशान कि हम वज़ीरे आज़म से ज़ेरअला से अपील करते हैं कि हमारी कोई हेल्प की जाए इसके इलाज के लिए, खुदा के लिए। और जो हॉस्पिटल में जो अमला है, जो ऐसा अमला है जो इनके लिए गलत अमला मतलब यूज़ है, जो अच्छा डिस्पेंसर क्वालिफाइड अमला नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटे को हुआ, आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई ज्यादती ना हो, कोई गलत इंजेक्शन ना लगे, ताकि आंधे बच्चों को कुछ शफा मिल सके, कोई अच्छा अमला होगा उसकी राय में ही होगी। हमारी बस यही अपील है कि इस अमले को चेक किया जाए, इसका अमल किया जाए कि इस अमले को चेंज किया जाए। हम मजबूर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, कुछ लोग अमीर भी हों तब भी यही होता है कि जिसका बच्चा चार पे पड़ जाए, अगर करोड़पति भी होगा तो उसे तकलीफ तो होगी। अब ये चलने फिरने की कासर है, 2 आदमी हम होते हैं जब इसको उठा के हम पेशाब करवाने जाते हैं वाशरूम में, उस वक्त जो हमारे दिल पर बीतती है या इसके दिल पर बीतती है ये खुदा जानता है। हम लोग तो मजबूर हैं, लेकिन इन जैसे डॉक्टरों से अल्लाह ताला सबको बचाए, मैं यही कहता हूँ अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, ये कोई अच्छा अमला हो, गवर्नमेंट कोई अच्छा अमला का विजिट करे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट वाली कोई बात नहीं है, प्राइवेट लोग हैं जो अनट्रेन लड़के उन्होंने रखे हुए हैं, 500-400 रुपये दिहाड़ी देते हैं उनको, डॉक्टर अपनी गप्पे लगाते हैं और ये मरीजों के ज़िंदगी में सर खेल रहे हैं। मेरी बस यही अपील है गवर्नमेंट से कि अल्लाह इनको हिदायत दे और इनका जो सदे बाब है हॉस्पिटल के लिए वो करें। और हमारे लिए भी ये है कि हम बहुत मजबूर लोग हैं, हम आपको पहले बता चुका हूँ कि हम जो मेहमान आते हैं कोई 1000 देता है, कोई 2000 दे देता है, कोई 500 देता है, उसी को इकट्ठा करके हम इसकी मेडिसिन ले रहे हैं और घर का सर्कल भी इसी तरह चला रहे हैं। तो यही मेरी अपील है। आपके बेटे के 3 बच्चे हैं तो क्या फ्यूचर नज़र आता है कि अल्लाह करे कि ठीक हो जाए आपका बेटा, कुछ दिनों में ही ठीक हो जाए, लेकिन अगर टाइम लग जाता है तो क्या हो? देखिए जी, टाइम लगता तो ये कोई खुदा की मर्ज़ी है, खुदा ने ये बीमारी इस तरीके से लगाई है, लेकिन मसला ये कि इसके 3 बच्चे हैं। मैं खुद परेशान हूँ कि ये सुबह जाता था, शाम को उनका दूध लेके आता था, उनके लिए पैंपर लेके आता था, घर के लिए खर्चा लाता था। अब हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है, ये फीड करना बहुत, अल्लाह ताला इसको बहुत जल्दी सेहत दे। अगर टाइम लगता तो ये हमारे लिए और इसके बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम परेशान तो है ही है, लेकिन जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके लिए ये ज़्यादा परेशान है। ये खुद भी बहुत परेशान है क्योंकि मेरे बच्चों का कब बन के आएगा। करने वाली तो आपकी ज़ात है, लेकिन हम फिर भी गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि ऐसे डॉक्टरों से हमारी जान छुड़ाई जाए। सर, ईशान की वालदा का क्या? वो परेशान है, वो किसी के सामने भी नहीं जाती, मीडिया वाले आते हैं, वो इतनी परेशान है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर तो कमज़ोर हो जाती है, सोच सोच के वो किसी बात भी अपनी कम करती है। उसको इतनी टेंशन है कि हम उसको भी संभाल रहे हैं, कुछ उसको भी मेडिसिन दे रहे हैं कि चलो आप सेट कर हो जाए, लेकिन वो ज़्यादा परेशान इसलिए है कि उसका जवान बेटा है, 3 बच्चों का बाप है, वो भी मेरी तरह परेशान है। ये हमारे घर का वाहर कफीर था जो ये कमाता था, ये बेटा है मेरा, एक दूसरा बेटा है वो अभी तक काम पे नहीं है, उसे काम भी नहीं, जॉब भी नहीं मिल रही। तो इसी तरह हमारे घर का जो लाद उसी को सोच सोच के वो ज़्यादा परेशान है। वो जब कोई मीडिया वाला भी दोस्त आता है तो उसके सामने नहीं आती वो, क्योंकि तो वो टेंशन में रहती है। ये हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ईशान के भाई हैं और आप उस टाइम साथ ही थे जब इंजेक्शन लग रहा था? जी जी, मैं साथ ही था, मैंने उस्मान शाहिद है, ईशान शाहिद का भाई हूँ, बड़ा छोटा,
मैं इसे मैं दुकान से लेने गया था घाट से, 2:30 बजे का टाइम था। इसने कहा कि यार 2-3 जगह से मैं मेडिसिन ले चुका हूँ, चलो हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवा लें, बेहतर कुछ हो सके। मैं इसी के साथ गया हूँ हॉस्पिटल। उधर के अमले का ये हाल है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सब पता है मेडिकल के बारे में। डॉक्टर को बताया गया फेसबुक यूज़ कर रहा था, मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे थे, इसको बताया गया कि इसका बुखार है, इसको फीवर है और इसको ये खांसी है, इसको चेक किया जाए। उसने ना, मैं कहता हूँ मैंने खुद देखा है, पर्ची पे देखा भी नहीं, इंजेक्शन जो उन्होंने रटा है ना, जो भी आना जो अनपढ़ डॉक्टर इधर बैठे हैं उनको दिहाड़ी भी दे रहे हैं 1,500, उसने इंजेक्शन लिखा है, सारे डिस्पेंसर के पास गए हैं, उसने ना बीपी चेक किया ना फीवर चेक किया, बगैर चेक किए इसको इंजेक्शन लगाया। और इंजेक्शन ऐसे कि एक लेडीज साथ बैठाई है, एक स्ट्रेचर के ऊपर बंदा उनका, कहता है कि वो मेरा गेस्ट आया है, उनसे बातें कर रहे थे। मैंने उसको बोला यार लटा के लगाओ, पहले मैंने कहा फीवर चेक नहीं हुआ भाई, तू सियाना ही ऐसी सियाने हैं, बदतमीजी से बोला है। उसके बाद मैंने कहा स्ट्रेचर के ऊपर लगाओ, लटाओ और फिर इंजेक्शन लगाओ। उसने कहा तू सियाना तो आप ला ला। फिर मैं साइड पर हो गया, फिर इंजेक्शन लगाने की बाढ़ ही आया, तो मैंने कहा लेडीज़ को बाहर निकाल दें। कह रहा तू बाहर हो गया, तू वखरा आ गया, चल चौक अपना बंदा लाइया बाहर। फिर मजबूर इसको खड़े होकर ना, जैसे टीका मैं लगाने का तो नहीं कहूँगा, इसने ठोका था टीका, जैसे ही टीका इसने ठोका ना, तो इसने कहा यार मेरी पेन स्टार्ट हो गई है, बुखार का छोड़ तू मुझे। मैं कहा कोई नहीं, मजाक मिस हुआ, असर हो रहा है, कोई फ़र्क पै जाएगा तुम्हें, आइया चलिए। घर आते ही ये आपके सामने ही है, अच्छा भला निज़ाम चलाता है घर का। मैं भी जॉब लेस हूँ, जॉब जगह जगह सीवियाँ दी हैं, स्पीडो में, मेट्रो, रेंजर से ट्रायल पास करके आया हूँ, लेकिन कोई हाल नहीं। ये घर का निज़ाम चलाता था सारा, बड़गड़ काम करता था। आप सारे हम यही फील करते हैं, किसी से मांग तो नहीं सकते, फैर पोच की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। हम भी दाड़ी मूछ है बड़े हैं, लेकिन जॉब से कासिर हैं, जॉब नहीं मिल रही, घर का सारा निज़ाम ये चलाता है। अब नाश्ता, ये नहीं कहना चाहूँगा, नाश्ता नहीं अभी तक हमारे घर में बना सही से, आधे इसने भी नहीं किया होगा, पता होगा इसको भी। और इसके 3 बच्चे हैं छोटे, 6 माह का बच्चा है, एक अहमद नाम है, और एक और दुआ फातमा है, 1.5 साल की, एक 3 साल की बेटी है, जिसके ये रोज़ाना रूटीन है, इसने बाहर लेकर जाना है हमारे साथ, उन्होंने जाना ही नहीं, बर्गर वगैरह शवारमा वगैरह आप पास, वो इसने भी पड़ी हैं हमारे पास, जो उस नाइट जो मियो में हमने 3 रातें गुजारी हैं, रोज़ मैसेज करती थी इसे कि पापा आ जाएं घर, कहाँ हैं हम वही देख लें, तो वही हमारे लिए बहुत है। जी नाजरीन, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये हाल है कि वहाँ पर अमला जो है वो नहायत ही बदतमीज़ और जाहिल किस्म का, इनका बताना है कि वो इस तरह का अमला वहाँ पर मौजूद है जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक चलाने से मतलब है, उन्हें मरीज़ की जान से मतलब नहीं है। तो मरियम नवाज़ साहिबा से यही अपील है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान करें, जैसे बाकी सतह पर काम किया जा रहा है वैसे ही हॉस्पिटल्स को भी बेहतर बनाया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।